हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द वजन डो। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आप उससे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी डेंटल रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टॉपिक ऑफ द डे इज ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओरल कैंसर जो है वो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। उसके साथ साथ अराउंड 70,000 पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। तो अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो पहली चीज कि अगर आपके मुंह में कोई अनहील्ड अल्सर है, कोई ऐसा अल्सर है जो हील ही नहीं हो रहा है काफी देर से, तो वो एक साइन हो सकता है कि आपको कैंसर है। पॉइंट नंबर टू इज स्वेलिंग इन माउथ। अगर आपके मुंह में कोई स्वेलिंग है, कहीं भी हो सकती है, मुंह में, होठों में, जुबान के नीचे, आपकी गाल में या दांत के कहीं आसपास, और वो हील नहीं हो रही है, ना वो बढ़ रही है, ना वो कम हो रही है, या वो बढ़ रही है साइज में, तो उस केस में आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री इज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ फूड। अगर आपको खाना खाते हुए दर्द होती है, यहाँ पे आपको दर्द महसूस होती है खाने को निगलते हुए, तो चांसेस है कि आपको कैंसर हो सकता है। पॉइंट नंबर फोर इज अनइंटेंशनल वेट लॉस। अगर आपका पिछले कुछ दिनों में अनइंटेंशनल वेट लॉस हुआ है विदाउट डूइंग एनी फिजिकल वर्क और टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं आपको कैंसर जैसे कोई लक्षण तो नहीं। अब हम बात करते हैं इफेक्टेड एरियाज की, कौन कौन से इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है टंग। हमारी जुबान के आसपास, जुबान के नीचे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ ओरल म्यूकोसा, जो हमारी गाले होती है अंदर की तरफ, वहां पे कैंसर काफी कॉमन होता है। उसके साथ साथ पैलेट यानी तालुआ या फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब मुंह का जो ग्राउंड है, जुबान के जो नीचे वाला एरिया है, या जो है होंठ है, होंठ के अंदर वाली साइड, यहाँ पे, तो ये एरियाज हैं जहाँ पे कैंसर दिखता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ओरल कैंसर, किस कॉज से ओरल कैंसर होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो ओरल कैंसर का कॉज है वो है स्मोकिंग। जो लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं उन लोगों को ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। पॉइंट नंबर टू इज टबैको। अगर आप पान, जर्दा, तंबाकू या ऐसी किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं। थर्ड थिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपके मुंह में कोई शार्प कस्प है, आपका दांत कोई तीखा है, उसकी वजह से आपके मुंह में कहीं पे कट लगता है बार बार और उस जगह अल्सर होता है और वो हील नहीं होता है, तो चांसेस है कि वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर फोर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ केसेस में जो कैंसर होता है वो जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पान जर्दा खाया हो या आपने स्मोक करा हो तो ही आपको कैंसर हुआ है, आपको जेनेटिकली भी कैंसर हो सकता है। अब हम बात करें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप किसी हॉस्पिटल या किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें अगर चेकअप कराएं, या किसी ओरल सर्जन के पास जाएं, वो आपकी बायोप्सी या FNAC करेंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि आपको ओरल कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी में क्या होता है कि आपका जो कैंसर है उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के लैब में भेजा जाता है, जहाँ पर उसका टेस्ट किए जाते हैं और चेक करा जाता है क्या उसमें कैंसरस सेल्स हैं। वहीं अगर आपकी कोई स्वेलिंग है तो उसके लिए FNAC होता है, जिसे हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमें निडल से उस स्वेलिंग का जो लिक्विड है उसको निकालते हैं और उसे लैब में भेजते हैं और उसका चेकअप होता है प्रॉपरली क्या उसमें कोई कैंसरस सेल है या नहीं है। इसके साथ साथ डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग भी होती है, जैसे MRI, CT स्कैन एंड PET स्कैन। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो चार बेसिक क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, साइज एंड टाइप ऑफ ओरल कैंसर, ग्रेड एंड स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज आती है वो है सर्जरी। तो सर्जरी में जो भी कैंसर ग्रोथ होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है रेडिएशन थेरेपी, उसमें हम रेडिएशन यूज करके कैंसर ग्रोथ को रिमूव कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। एंड नंबर थ्री इज कीमोथेरेपी, जिसमें हम दवाइयों को यूज करके आपका कैंसर ग्रोथ को कम करते हैं। तो ये सब था ओरल कैंसर के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हो ओरल कैंसर के रिलेटेड या किसी भी डेंटल प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम डो।
सी यू टुमॉरो।